ओए चिंटू आ जा आ जा चिंटू। बारह एक बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी लगातार बारिश हो रही है। तो सुबह हो चुकी है और आज ना मौसम फिर से खराब हो गया। पूरे कम से कम 12 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी लगातार बारिश हो रही है। इधर फिर आपको दिख रहा होगा बादल उठ रहे हैं, फिर से बारिश होगी चारों तरफ। और उतनी ज़्यादा तो हुई नहीं लेकिन कंटिन्यू जो बारिश हुई ना, बारिश बारीक वाली, ये पूरा दिख रहा है कितनी ज़्यादा बारिश हुई रात को। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज हरेन फ्रॉम उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग अपने रूम से शुरू करते हैं और आज मेरे लिए अच्छा दिन भी है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मेरी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ चुकी है और टेस्टिंग तो करवा नहीं, रिसैम्पलिंग होगी नहीं, कहीं भी नहीं हो रही है। मैं खुद से अगर करवाना चाहता तो करा सकता हूँ, बाकी डॉक्टर्स ने जो 14 दिन का टाइम पीरियड आइसोलेशन के लिए बोला था ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और आज के बाद मैं लोगों से मिल सकता हूँ, फैमिली वालों से मिल सकता हूँ और अदर एक्टिविटीज़, सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी तक मैं रख रहा था अब उनके साथ घूम मिल सकता हूँ। मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ चुकी है, मैं तो अब ठीक हूँ, लेकिन फैमिली में ना आजकल ये पूरा गांव में भी हर एक परिवार में कोई ना कोई बीमार हो जा रहा है और मेरी फैमिली में मेरे भाई और मम्मी की तबीयत ख़राब होगी कल रात, बुखार आ रहा है हर किसी को, पता नहीं कौन सा वायरल फीवर है या फिर कौन सा है। और ये भाई रात को ना जौ की चुराई कर रहा है, ये छन्नी है, छन्नी से इसको निकाल करके इसमें पूरा डस्ट वगैरह है इसको हटा रहा है, छान रहा है। देखो पूरी ना धुंध फैल रखी है, पूरी की पूरी, कुछ भी दूर तक थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा 4-5 मीटर के अलावा, क्योंकि पूरा दिन भर बारिश होने की वजह से ना ये पूरा का पूरा ऐसा हो गया। भाई आज ना पूरे दिन भर बारिश हुई और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना घर में, और अभी मम्मी यहाँ रोटी बना रही है और आज जो लिमड़ा होती है ना पहाड़ी सब्जी वो लेके आ गया चाहते हैं, कितनी अच्छी सब्जी होती है ना, बहुत खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। पहाड़ में ना आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, प्लान्सों में आपको पता है रोटी ना बेलन से बेलते हैं लेकिन गांव में हाथ से ही बनाता है अधिकतर लोग रोटी, चाहे चूल्हे में हो चाहे गैस में हो हाथ से बनती है, और बेलन से भी अच्छी रोटी बन रही है हाथ में बिल्कुल गोल। इस सारा जादू ना मेरी मम्मी का हाथ का खेल है, गोल बनाने के रोटी का राज मम्मी को बताया, मम्मी बहुत अच्छा मोटी बनाती है रोटी, मोटे के साथ साथ ना गोल भी बनाती है बहुत अच्छा। मम्मी की ना कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और अब जाके मम्मी के चेहरे पे ना मुस्कान आ गई पुरानी वाली। कल तक बिल्कुल बिस्तर पे लेटी हुई थी दिन भर और अब आपको दिख रहा होगा अब तो पूरा रोटी वगैरह पूरा काम कर रही है घर का। ओए चिंटू आ जा आ जा चिंटू, आ बेटा आ जा चिंटू, आ जा चिंटू, आ बेटा आजा। बारिश की वजह से ना इतना ज़्यादा ठंडा होने बैठ गया, आज मैं एक कंबल और ये इतनी मोटी रजाई ओढ़ के सोऊंगा क्योंकि इस रजाई में मुझे इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना भाई, टेम्परेचर बिल्कुल ही गिर गया पहाड़ में और ऐसा लग रहा है बाहर बर्फ पड़ रही होगी, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो बिस्तर पूरा लग चुका है मेरा और अब सोने की तैयारी है और डिनर वगैरह पूरा हो चुका है
इतना ज़्यादा भाई ठंडा है सीरियसली। एक कंबल और एक रजाई ओढ़नी पड़ रही है। दिसंबर जनवरी वाली ठंड लग रही है मुझे आज तो, पता नहीं क्यों। या फिर हो सकता है बुखार आने वाले फिर से मुझे, तब आपको ज़्यादा ठंडा लगता है, और या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर गया कि इतनी ज़्यादा कंबलों की आवश्यकता पड़ रही है।